जय सेवा दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टिकरा खापा घनसौर ग्राम के महान अग्नि तपस्वी दादा मान सिंह इनवाती के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक गुंडवाना की बात को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी कोयतूर समाज दादा मान सिंह इनवाती को तो जानते ही होंगे। ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टिकरी खापा घनसौर ग्राम के महान अग्नि तपस्वी हैं। ये कोयतूर समाज की लोगों की अपनी जंतर मंतर एवं जड़ी बूटियों के साथ उनके दुख संकट को दूर करते हैं। साथ ही साथ अपने गोंडवाना कोयतूर समाज की लोगों को भाषण के दौरान अपने गोंडी भाषा धर्म संस्कृति को जीवित रखने की बात रखते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनका साजवा दरबार काफ़ी लोगों के बीच फेमस प्रसिद्ध है। इनके ऊपर बड़ा देव प्रकृति शक्ति पंच तत्व फड़ापेन सवार हैं, क्योंकि ये अग्नि के चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और उसके बीच में जा करके बड़ा देव प्रकृति शक्ति पंच तत्व पूजा साधना तपस्या करते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो इनके सामने बागेश्वर सरकार फेल हैं। इनका साजवा दरबार लगता है जिसमें कोयतूर समाज के लोग सैकड़ों हजारों इससे ज़्यादा भी लोग हर दिन इकट्ठा होते हैं अपने अपने दुख परेशानियों को लेकर। आप सोच सकते हैं कि गर्मियों के दिन में चारों तरफ से घिरा हुआ अग्नि के बीच में कौन पूजा साधना तपस्या कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोयतूर समाज के लोग इन्हीं अग्नि के बीच में पूजा साधना तपस्या किया करते हैं और लोगों की दुख संकट परेशानियों को दूर किया करते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रहते हैं, ना कि साधु संत महात्मा की वेशभूषा में, लेकिन आप इनके तपस्या को देख करके चौंक जाएंगे। बताइए कि कोई व्यक्ति 10 मिनट के लिए अग्नि के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन साजवा दरबार के महान तपस्वी दादा मान सिंह इनवाती जी अग्नि के चारों तरफ से घिरा हुआ बीच में जाकर बड़ा देव प्रकृति शक्ति की पूजा साधना तपस्या किया करते हैं। इनके लिए आपके मन में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और गोंडवाना की बात पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार।